हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग यूनिट नंबर सिक्स इफ आई वेर एन एप्पल तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल फिल इन आवर वर्कबुक, सो लेट्स गेट स्टार्ट राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चूज द करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट वन इज

बॉय क्या विश कर रहा है वॉट डज द बॉय विश ही वेर उसे क्या बनना था उसकी क्या इच्छा थी आंसर इज एन एप्पल ए बर्ड ए ट्री और ए बॉय सो आंसर करेक्ट आंसर इज एन एप्पल सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सो वी हैव टू राइट हियर ए नेक्स्ट नंबर थ्री If the boy were an apple, he would dash, stay in the basket, fall on the grass, stay on the tree, drop down on a nice boy. तो so क्वेश्चन क्या है? अगर बॉय एप्पल बन जाता है, तो वो क्या करता? So answer is drop down on a nice boy. मतलब कि वो एक अच्छे से लड़के के ऊपर गिर जाता। So correct option is D. सो वी हैव टू राइट र डी नंबर फोर द बॉय फील्स दैट एन ऐप्पल ऑन ए ट्री तो बॉय क्या ऐसे बॉय क्या फील कर रहा है कि अगर एप्पल ट्री के ऊपर ही रहेगा तो विल नॉट लुक नाइस विल गिव नो बडी जॉय विल लुक नाइस विल गिव एवरी बडी जॉय तो अगर एप्पल ट्री के ऊपर ही रहेगा तो किसी को किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी विल गिव नो बड़ी जॉय करेक्ट आंसर इज बी सो वी हमें यह बॉक्स में क्या लिखना है बी लिखना है ट्री के ऊपर ही रहेगा तो किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी चलो अभी नेक्स्ट पेज में देखना है पेज नंबर नाइंटी टू सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट फर्स्ट ब्रे ट्रे डाइस स्टे सो जो ऑड वर्ड है जो यहाँ पर मैश नहीं हो रहा है वो क्या है डाइस डी आई सी ई डाइस क्योंकि ब्रे ट्रे एंड स्टे इज़ अ सेम साउंड वर्ड ये सारे वर्ड्स क्या है ये सारे वर्ड्स सेम साउंड के है ड्रॉ ड्रू क्रू एंड ग्रू सो ड्रॉ इज ए डिफरेंट वर्ड सो हमें किसके ऊपर सर्कल करना है डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ दीज ऑल वर्ड्स आर सेम साउंड वर्ड नेक्स्ट हॉल फॉल टॉल एंड सेल हॉल फॉल टॉल आर सेम साउंड वर्ड एंड सेल इज ए डिफरेंट वर्ड बिकॉज उसका जो स्पेलिंग भी है वो क्या है डिफरेंट एस ई डबल एल सेल तो हमें ऐसी डबल एल सेल के ऊपर सर्कल करना है ट्री नाइस फ्री एंड बी सो ट्री फ्री एंड बी आर द सेम साउंड वर्ड एंड नाइस इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड सो वी हैव टू सर्कल ऑन नाइस एन आई सी ई नाइस स्लाइस माइस नाइस एंड प्रे सो स्लाइस माइस एंड नाइस आर दाउंड वर्ड एंड प्रे इज ए डिफरेंट वर्ड सो वी है बॉक्स फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एप्पल ग्रोज ऑन ए डैश एप्पल किसके ऊपर ग्रो होता है ट्री ग्ली फ्री और बी आंसर इज ऑप्शन ए ट्री के ऊपर ग्रो होता है ना एप्पल सो अवर राइट आंसर इज ट्री सो वी हैव टू राइट हियर ए नंबर टू टीना डैश एन एप्पल तो टीना ग्रू एन एप्पल मतलब की टीना ने एप्पल उगाया था क्रू न्यू

करेक्ट ऑप्शन इज सी ड्रिंक सो वी हैव टू राइट इन दिस बॉक्स सी नंबर फोर डू नॉट डैश द बुक तो हमें बुक को गिराना नहीं चाहिए तो आंसर क्या आएगा क्रॉप फ्लॉप स्टॉप या ड्रॉप चलो बताओ स्टूडेंट क्या आंसर आएगा यस ऑप्शन डी ड्रॉप मतलब कि गिराना नहीं चाहिए डू नॉट ड्रॉप द

बी अमित इज ए नाइस बॉय लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज पेज नंबर 93 चलो यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर देखो लुक एट इन दिस बॉक्स तो यहाँ पर हमें साउंड्स दिए गए हैं वो साउंड्स हमें पहले अच्छे से सुनने हैं उसे समझने हैं और उसे लर्न करने हैं साथ में तो स्टूडेंट्स आप लोगों को भी मेरे साथ बोलना है चलो लेट्स गेट स्टार्ट बर्ड्स वॉट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स चीर्प सी एच आई आर पी चीर्प बीज बी यू डबल जेड बर्ज क्रोस सी ए डब्ल्यू डक्स क्वैक क्यू यू ए सी के क्वैक नेक्स्ट इज हैंड हैंड का साउंड क्या है क्लक सी एल यू सी के क्लक पीजं पीजेंस का साउंड सी डबलो कु एच स्क्रीच पिकॉक्सम एस सी आर ई एम स्क्रीम चलो अभी एक बार हम रिपीट करेंगे बर्ड्स चीर्प, बीज बज क्रोज काव डॉट्रीच पिकॉक्स स्क्रीम तो स्टूडेंट ये सारे जितने भी यहाँ पर साउंड दिए गए है ये सारे साउंड स्टूडेंट आप लोगों को लर्न करने हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लुक एट दिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स तो स्टूडेंट्स अभी हमने सारे जितने भी बर्ड्स थे उनके हमने साउंड्स देखे राइट right, स्टूडेंट्स तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्रो सो व्हाट इज द साउंड ऑफ क्रो यस यहाँ पर टू ऑप्शंस दिए गए हैं तो हमें बॉक्स में से क्या करना है जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज कर कर उसके ऊपर सर्कल बनाना है सो व्हाट इज द साउंड ऑफ क्रो काव और कू सो so, यस yes. काव इज ए राइट ऑप्शन सी ए डब्ल्यू काव सो वी हैव टू सर्कल ऑन काव नेक्स्ट नंबर टू तो चलो बताओ नंबर टू पिक्चर कौन सा है आइडेंटिफाई करो ये वाले बर्ड को ये दिस इज ए डक सो वॉट इज द साउंड ऑफ डक स्क्रीच और क्वैक येस वेरी गुड क्वैक क्यू यू ए सी के क्वैक तो हमें क्वेक के ऊपर सर्कल करना है नंबर थ्री पहले हमें क्या करना है पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ दिस बर्ड सॉरी इंसेक्ट ये क्या है बी है तो बी का साउंड क्या है चीर्प और बर्ज यस बी यू डबल जेड बर्ज तो हमें बस के ऊपर सर्कल करना है चलो अभी नेक्स्ट पिक्चर आइडेंटिफाई करो यस दिस इज ए पेरोट पैरोट का साउंड क्या है स्क्रीच और स्क्रीम वेरी गुड स्क्रीच एस सी आर डबल ई सी एच स्क्रीच नंबर फाइव आइडेंटिफाई दिस पिक्चर यस दिस इज ए पिजन सो काउ और कू व्हाट इज द साउंड ऑफ पिजन काव और कू यस सी डबल ओ कू नंबर सिक्स न एच एन हैन सो वट इज द साउंड ऑफ हैन क्लक और क्वैक यस क्लक सी एल यू सी के क्लक चलो अभी नेक्स्ट क्या है फिल इन द ब्लैंक्स तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में देखो बॉक्स दिया गया है उसमें सारे आंसर्स दिए गए है तो हमें वहाँ से फाइंड करना है और फिर नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में उसे फिल करना है नंबर इफ आई आई ए बर्ड बर्ड वुड अगर हम होते तो हमारा साउंड क्या होता चीप सी एच आई आर पी चीप देखो यहाँ पर है स्पेलिंग हमें दिया हुआ है तो वहां से हमें ढूंढना है उसे फाइंड करना है और यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है सी एच आई आर पी चीर नंबर टू बी आई वुड डैश अगर हम बी होते तो हमारा साउंड क्या होता बस बी यू डबल जेड बस तो देखो यहाँ पर बॉक्स में हमें बी यू डबल जेड बस साउंड दिया गया है तो हमें वहां से आइडेंटिफाई करके यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर थ्री If I एर a हैन आई वुड डैश अगर हम हैन होते तो हमारा साउंड क्या होता क्लक सी एल यू सी के क्लक तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है क्लक लिखना है नंबर फोर इफ आई वेर अ क्रो आई वुड डैश तो अगर हम क्रो होते तो हमारा साउंड क्या होता काव तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ब्लैक लिखा है तो ब्लैक लिखना नहीं है यहाँ पर हमें साउंड लिखना है क्रो का साउंड क्या है काव सी ए डबल्यू काव लिखना है स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देना क्या लिखना है आप लोगों को सी ए डबल्यू काव लिखना है इफ आई वेर आई वुड अगर हम पिजन होते अगर मैं पिजन होता तो मेरा साउंड क्या होता कु सी C -C, तो यहाँ से फाइंड करना है सी डबलओ कु और फिर लिखना है यहाँ पर ब्लैंक में देखो यहाँ पर काव का स्पेलिंग भी है और नीचे कु का स्पेलिंग भी है तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से देख कर लिखना है वीडियो अच्छे से सुनना है और समझना है ओके okay? चलो नेक्स्ट कलर द पिक्चर सर्कल द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स तो यहाँ पर कलर करना है और जो भी करेक्ट फ्रूट है उसे आइडेंटिफाई करना है और फिर सर्कल बनाना है चलो सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर हम आइडेंटिफाई करेंगे देखो ये वाला पिक्चर कौन सा है चलो बताओ आप सभी इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एप्पल, वेरी गुड तो एप्पल में फिर कलर करना है और एप्पल की स्पेलिंग के ऊपर सर्कल बनाना है ए डबल पी एल ई एप्पल एप्पल के स्पेलिंग के ऊपर सर्कल बनाना है चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है सो नेक्स्ट फ्रूट इज बनाना लुक एट दिस पिक्चर दिस इज ए बनाना तो बनाना के अंदर जो पिक्चर दिया है उसके अंदर हमें कलर करना है और बनाना के स्पेलिंग के ऊपर हमें सर्कल बनाना सर्कल करना है बी ए एन ए एन ए बनाना नेक्स्ट ग्रेप्स दिस इज ए ग्रेप्स कलर करना है और ग्रेप्स के स्पेलिंग के ऊपर सर्कल करना है जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स नेक्स्ट इज ए मैंगो तो मैंगो की पिक्चर में कलर करना है और मैंगो का स्पेलिंग क्या है एम ए एन ओ तो उसके ऊपर फिर सर्कल करना है नेक्स्ट ऑरेंज तो यहाँ पर कलर करना है ऑरेंज और फिर ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज एप्पल है या ऑरेंज है येस दिस इज ए ऑरेंज सो वी हैव टू सर्कल ऑन ऑरेंज चलो नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर दिस इज ए पपाया और बनाना येस पपाया पी ए पी ए वाई ए पपाया चलो नेक्स्ट लुक एट दिक्चर एंड टिक मार्क द करेक्ट वर्ड तो आप लोगों को पिक्चर देखना है फर्स्ट पिक्चर कौन सा है दिस इज द पिक्चर ऑफ कोकोनट और चीकू येस दिस इज ए चीकू सो वी हैव टू टिकर चीकू के स्पेलिंग के आगे हमें क्या करना है टिक सी एच आई सी के डबल ओ चीकू चलो नेक्स्ट वाटरमेलन देखो ये क्या है वाटरमेलन है तो वाटरमेलन का स्पेलिंग क्या है डब्ल्यू ए टी ई आर एम ई एल ओ एंड वाटरमेलन तो हमें यहाँ पर टिक करना है देखो ये क्या है वाटरमेलन है या पाइन है येस yes, ये वाटर मेलन है तो हमें यहाँ पर वाटर मेलन के स्पेलिंग के आगे टिक करना है नंबर थ्री नंबर थ्री इज ए चलो आइडेंटिफाई करो कोकोनट और गवा यस दिस इज ए कोकोनट सो सीओ सीओ एनयटी कोकोनट तो हमें कोकोनट की स्पेलिंग के आगे टिक करना है नंबर फोर आइडेंटिफाई दिस फ्रूट विच फ्रूट इज मैंगो और पाइन एप्पल दिस इज ए पाइनएप्पल पी आई एल ए डबल पी एल ई पाइन एप्पल सो वी हैव टू टिक हियर तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ई फाइवर एन एप्पल पोयम समझ में आ गई होगी फिर वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों के समझ में आ गए होंगे सो यू हैव टू फिल इन योर वर्कबुक ओके स्टूडेंट्स अच्छी राइटिंग से आप लोगों को लिखना है और उसे लर्न करना है थैंक यू स्टूडेंट्स बाय